नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज अलर्ट्स ऑफ द हिंदू एंड अदर फॉरेन सोर्सेज। आज हम बात करेंगे 24 जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स की, एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं अकेडमी पे तो करते रहिएगा, और अगर नहीं है, आप ज्वाइंट नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं अकेडमी पे, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, जुड़ सकते हैं। नीचे मैंने बैचेस का लिंक आपको दे रखा है, अब उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे बैचेस अग्नि अकेडमी पे टाइम टू टाइम आपके आते रहते हैं। 28 जुलाई से भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं नए, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और मेरी क्लासेस सुबह 6:30 बजे आपको अन अकेडमी प्लस पर मिलती हैं, रिलेटेड टू आरबी एज वेल एज दी बैंक एग्जाम कैटेगरी में, राइट। चलिए, बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आपके सामने है, एंड अगर मेरी बात माने, अगर अफोर्ड कर सके तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ताकि आपकी कुछ भी चीज मिस ना हो, इवन आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी। स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास से, एंड पहली न्यूज आप सभी के सामने गुजरात हाई कोर्ट से आई है। गुजरात हाई कोर्ट यहां पर बना है पहला इंडियन कोर्ट टू अलाउ द पब्लिक व्यूइंग ऑफ द प्रोसीडिंग। सो High Court of Gujarat became the first court of India to formally start live streaming. Live stream यानी कि आपके YouTube पे जैसे अभी हम live पढ़ रहे हैं, उसी तरह से जो भी यहाँ पर Gujarat High Court में proceedings होंगी, जो भी यहाँ पर Gujarat High Court में चल रहा होगा, उस time को यहाँ पर live YouTube channel पे दिखाया जाएगा, ताकि किसी हरेक तरीके की यहाँ पर transparency यहाँ पर बनी रहे, सबको पता चलता रहे कि आखिर यार किस तरह से केस लड़ा जा रहा है, क्या चीज चल रही है। ये लॉन्च किया गया ऑन द ईव ऑफ द 101वीं बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी लेट फॉर्मर सीजीआई यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ की, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन एनवी रमाना। इसको लॉन्च किया गया यहां पर, कौन थे, लेट फॉर्मर पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, नाम था उनका। इनके द्वारा ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इसको लॉन्च किया गया, एंड ये आपका आर्टिकल 9 जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 क्या कहता है, राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, एंड इसके अनुसार ये कहा गया है कि इस तरह का मतलब एक इंफॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए, लोगों को बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। 2018 की अगर बात करें मैं, एंड सुप्रीम कोर्ट हैड अलाउड द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ द स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि जो केसेस आपकी राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस दैट नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है, यहाँ पर उनके लाइव स्ट्रीमिंग करना अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं कहूंगा, अनिवार्य वर्ड यूज नहीं किया गया था, बट अलाउ किया था यहाँ पर। इसके अलावा 26 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया हियरिंग द केसेस लाइव ऑन द यूट्यूब ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फ्रॉम 26 अक्टूबर 2020। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन है सुप्रीम कोर्ट के ई कमेटी के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया फॉर एग्जीक्यूटिंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ओके, सो ये एक डिसीजन लिया गया, दिस वॉज फॉलोड बाय द बिना किसी भेदभाव, बिना किसी आपके नेगेटिव कमेंट के यहाँ पर ये डिसीजन अननेवेनस, यानी कि सभी एग्री किए, सभी राजी हुए इस डिसीजन पे, बाजे गुजरात हाई कोर्ट के सभी जजेस, ठीक है। सो ये न्यूज आपकी पूरी पूरी, गुजरात हाई कोर्ट पहला पहला इंडियन कोर्ट बना है जो कि जिसने अलाउ किया पब्लिक व्यूइंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स को यहाँ पर। बाकी कब हुआ ये सीजीआई, 16वें सीजीआई के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, पहले स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का एक केस, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के फिलहाल चेयरपर्सन है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी की बात करो, इसने हाल ही में एक ऐप के बारे में भी लॉन्चिंग की थी, ऐप भी लॉन्च किया था, ये वही आपकी ई कमेटी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड BSES दिल्ली डिस्कॉम्स, दैट इज BSES राजधानी पावर लिमिटेड, BSES राजधानी पावर लिमिटेड एंड BSES यमुना पावर लिमिटेड ने साइन किया एक पावर सेल एग्रीमेंट सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत 510 मेगावाट सोलर एंड हाइब्रिड
पावर 2.44 पर यूनिट एंड 2.48 पर यूनिट पे यहाँ पर आपको मिलेगा। सो BRPL एंड द BYPL ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद दी सेकी के साथ। सो ये आपके 300 मेगावाट सोलर पावर, 210 मेगावाट हाइब्रिड पावर एंड विद दिस BRPL एंड BYPL बिकम द फर्स्ट इन दिल्ली टू साइन एन एग्रीमेंट। इस तरह का एग्रीमेंट साइन करने वाला पहला ये बना है। राइट, ओके। The contract have been inked for a period of 25 years. Okay, 25 सालों के लिए contract आपका sign किया गया है। तमिलनाडु ने receive किया है यहाँ पर 28,508 करोड़ investment commitments from 49 projects during the investment conclave 2021. Okay, investment conclave 2021 हाल ही में चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु को यहाँ पर 28,508 करोड़ रुपीज अलग अलग 49 प्रोजेक्ट्स के लिए मिले। इसको ऑर्गेनाइज किया था स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर एंड गाइडेंस तमिलनाडु के द्वारा। इस इवेंट के दौरान 35 MOU यहाँ पर साइन किए गए जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड थे 17,141 करोड़ के, जो कि एम्प्लॉयमेंट देगा 55,000 तकरीबन लोगों को। ये एक आंका गया, एक डाटा यहाँ पर देखने को मिला है। ये अग्रीमेंट्स अलग अलग फील्ड से थे, यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स लिखे हुए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक MOU साइन किया टिडको के साथ। ओके, टिडको के साथ साइन किया, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा। गाइडेंस तमिलनाडु ने MOU साइन किया अमेरिकन तमिल एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के साथ स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। ESR इंडिया ने साइन किया MOU तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, दो इंडस्ट्रियल पार्क्स कांचीपुरम एंड कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश करने के लिए। 1.3 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विक्रम सोलर की यहाँ, ये भी यहाँ पर ऑर्गाडगम चेन्नई में एस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, ओके। तमिलनाडु ने, ये पूरी पूरी न्यूज, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2021 28,508 करोड़ इन्वेस्टमेंट कंपनीज 49 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपके इनके लिए किया गया है। एंड पैंतीस MOU यहाँ पर एक्सचेंज किए गए 17,141 करोड़। ओके, सो ये एक याद रख लेगा 35 MOU। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने टिडको के साथ, ये याद रख लीजिएगा। गाइडेंस तमिलनाडु ने अमेरिकन तमिल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के साथ। ESR इंडिया ने यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, कहाँ पर करेगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ पर कृष्णागिरी एंड दी कांचीपुरम में। राइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया एक नया हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, नाम उसका रखा है ऑप्टिमा सिक्योर। HDFC अर्गो ने ऑप्टिमा सिक्योर नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी यहां पर जारी की है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगी गारंटिंग कवरेज फॉर लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। किसी भी तरह के नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब मेडिकल से जुड़े हुए ना होकर अलग तरीके से हो यहाँ पर। इट वुड ऑफर अप टू 4 times दी सम इंश्योर्ड बाय कस्टमर एट नो एडिशनल चार्ज विद इन 2 years। ओके, सो ये यहाँ पर आपका कवर करेगा 4 गुना तक सम इंश्योर्ड, जो भी सम इंश्योर्ड कराए, मान लें 2 लाख का इंश्योरेंस लेंगे उसका 4 गुना तक एट नो एडिशनल कॉस्ट, किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी 4 साल, मान लो आज आप 1 लाख का इंश्योरेंस लेते हो तो 4 लाख तक का इंश्योरेंस आपका कवरेज रहेगा 2 सालों के लिए। 5 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड हो सकता है। प्लान डबल्स द इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिकली एंड इंस्टेंटली ऑन परचेज ऑफ पॉलिसी। द बेस कवर इज 10 लाख एंड ये आपकी डबल हो जाएगा 20 लाख तक। ओके, सो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, ऑप्टिमा सिक्योर किसने लॉन्च किया? HDFC अर्गो ने लॉन्च किया है। किससे रिलेटेड है? नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। 5 लाख से 2 करोड़ तक यहाँ पर हो जाएगा एंड ये चीज आपकी रहेगी। बस इतना इसमें याद रख लो, HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। राइट, ओके, आगे चलते हैं हम। वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज विद मल्टी सिग्नेचर एंड बैकअप इन स्पेस।
सो दिस इज द बी2 इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप किया स्पेस चेन के साथ. ओके, स्पेस चेन के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया है बी2 इंडिया ने. और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू स्पेस ऑन बोर्ड अ स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट. दुनिया का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज विद मल्टी सिग्नेचर एंड बैकअप इन स्पेस. अंडर दिस पार्टनरशिप स्पेस चेन क्रिएट करेगा स्पेस नोड फॉर द बी2, इंस्टॉल करेगा इट ऑन द YAM सैटेलाइट के साथ, जो कि रॉकेट के साथ चला जाएगा, एंड मिशन एग्जीक्यूट किया जाएगा बाद सैटेलाइट ऑपरेटर लॉफ्ट ऑर्बिटल के द्वारा. और इसी के साथ बी2 बनेगा पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि यहाँ पर आपका रहेगा स्पेस में. दैट इज ए हाई सिक्योरिटी ऑफ स्पेस ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अल्ट्रा सिक्योर बिट कॉइन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन. सेटेलाइट पर रहेगा ये आपका. एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, बी2 इंडिया याद रख लेगा, स्पेस चेन याद रख लेगा, फाल्कन 9 रॉकेट, Y2M सैटेलाइट, लॉफ्ट ऑर्बिटल, पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज. द राइट आंसर बी2 इंडिया. बी2 के को फाउंडर टलगट डोसा नो है. राइट, ओके. सो यूरोपियन स्पेस वेंचर्स अ कंपनी दैट ऑपरेट्स एंड मैनेजेस. बी2 को कौन मैनेज करता है? यूरोशियन स्पेस वेंचर्स ये यहाँ पर मैनेज करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. NSDL पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया है आपका किसके साथ? मल्टीलिंक के साथ. NSDL ने पार्टनरशिप किया है मल्टीलिंक के साथ. एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि बिल्ड करती है एजेंट पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया टू बूस्ट द बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज थ्रू द नियो बैंकिंग सिस्टम. नियो बैंकिंग सिस्टम आपका ऑनलाइन सिस्टम कह लीजिए, वर्चुअल बैंकिंग कह लीजिए, नियो बैंकिंग, ठीक है, उसको हम नियो बैंकिंग में आंकते हैं. NSDL पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया है मल्टी लिंक के साथ. ओके, मल्टी लिंक, NSDL पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, मल्टी लिंक एंड नियो बैंकिंग सिस्टम को. इसी के तहत यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए जाएंगे, BC एजेंट पॉइंट यानी कि बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट्स, या फिर NSDCL के मल्टी लिंक पॉइंट यहाँ पर बनाए जाएंगे. यहाँ पर लोग आकर बैंकिंग फैसिलिटीज को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं. वर्चुअल डिजिटल बैंकिंग रहेगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म रहेगा, किसी तरह की ब्रांच नहीं रहेगी, ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी चीजें मोबाइल ऐप के थ्रू. यहाँ पर इट वॉन्ट हैव एनी फिजिकल बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है. सो NSDL पार्टनरशिप विद द मल्टी लिंक ये याद रख लीजिए. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किसके साथ मल्टी लिंक NSDL. यू ग्रो कैपिटल यहाँ पर एक को लैंडिंग पार्टनरशिप किया BOB के साथ, यानी कि एक साथ मिलकर लोन देंगे. को लैंडिंग का मतलब एक साथ मिलकर लोन देंगे. BOB यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को लोन देंगे यहाँ पर आपके 50 लाख से 2.5 करोड़ तक का. रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से स्टार्ट होगा, 120 मंथ के लिए मिलेगा. यहाँ पर हाल ही में RBI ने NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यू ग्रो कैपिटल भी एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है. यहाँ पर इन्होंने कहा मिनिमम 20% ऑफ द क्रेडिट रिस्क by your direct exposure on their books till maturity and balance on their bank books. Okay. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 रुपये टोटल लोन देना है तो उसमें से 20 रुपये का जो लोन है उस 20 रुपये के लोन को या तो मैं शेयर करूंगा किसी के साथ, ठीक है, ऑफ द क्रेडिट रिस्क बाय द वे ऑफ डायरेक्ट एक्सपोजर ऑन देयर बुक्स टिल मैच्योरिटी एंड बैलेंस ऑन द बैंक्स बुक. ओके, तो कहने या नहीं कहूंगा, 20 रुपये जो है वो मुझे शेयर करना पड़ेगा किसी के साथ. ये RBI ने मैंडेट किया. 100 रुपये का लोन में 80 रुपये मैं अकेला दे सकता हूँ और 20 रुपये मुझे किसी के साथ को लैंडिंग करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने यूग्रो ने BOB के साथ किया है मिलकर, ठीक है. सो एग्जाम में यूग्रो को लैंडिंग BOB 50 लाख 2.5 करोड़ 8% मिनिमम है ये 120 महीने और दिस इज दी 20%, ठीक है. ओके, चलो आगे चलते हैं हम. केरला बैंक ने लॉन्च किया है न्यू लॉन्च स्कीम नेम द केरला बैंक समग्रा. ओके, केरला बैंक समग्रा यहाँ पर लॉन्च किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, यहाँ पर लोन आपका सपोर्ट करेगा PSCS टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज. यहाँ पर पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उम्मीद करता हूँ पता होगा, जो एग्रीकल्चर से बिल्कुल आपकी रूरल एरियाज की यहाँ पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं यहाँ पर आपकी. और केरला बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है केरला बैंक समग्रा, जो कि इनकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्ड करने में मदद करेगा. इसके अलावा एक केरला स्टेट के द्वारा मथ्रू कवचम कैंपेन भी यहाँ पर कोविड 19 वैक्सीन जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए लगेगा उसके लिए लॉन्च किया गया.
अगली न्यूज पे चलते हैं हम। शिव नादर ने रिजाइन किया एचसीएल टेक एमडी के साथ। ओके, द फाउंडर ऑफ एचसीएल ग्रुप शिव नादर रिजाइन किया एमडी, डायरेक्टर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उनकी जगह ली सी विजय कुमार ने। सी विजय कुमार ने उनकी जगह ली। यहाँ पर शिव नादर विल कंटिन्यू एज फॉर्म चेयरमैन एमिटस, मीन्स एक कहते हैं ना एक गॉड फादर की तरह या फिर एक सलाहकार की तरह ये रहेंगे, एडवाइजर रहेंगे आपके बोर्ड पे 5 सालों के लिए। ओके, सो दिस इज द शिव नादर एमडी एंड डायरेक्टर एचसीएल टेक्नोलॉजी के, तो इन्होंने रिजाइन दिया और उनकी जगह कौन आया है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी विजय कुमार बने हैं, उनकी जगह पे शिव नादर ने रिजाइन दिया। नेक्स्ट न्यूज रेजर पे से आई है। रेजर पे ने यहाँ पर एक्वायर किया है टेरा फिल लैब्स को। ओके, इससे पहले 2018 में थर्ड वॉच एंड 2019 में ऑफ विन को यहाँ पर आपका एक्वायर कर चुके हैं। सो रेजर पे ने फिलहाल टेरा फिन लैब्स को यहाँ पर एक्वायर किया है। टेरा फिन लैब्स इज इंडियन सब्सिडरी ऑफ द ज्ञान क्रेडिट, अ यूनाइटेड किंगडम बेस्ड डिजिटल लेंडर। ओके, सो ये यहाँ पर आपका यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है टेरा फिन लैब्स, रेजर पे ने उसको एक्वायर किया है, काम कर रही है फिलहाल बेंगलुरु में। आगे चलते हैं हम। IBM कॉरपोरेशन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में साइन हुआ है एक 10 साल का एग्रीमेंट। IBM बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैपेगौड़ा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको कहा जाता है। इस एयरपोर्ट को एक अलग दरिया, एक अलग वे में बनाने की कोशिश की जाएगी। IBM विल प्रोवाइड IT सॉल्यूशन टू क्रिएट अ न्यू एयरपोर्ट इन द बॉक्स, मतलब छोटा एयरपोर्ट छोटे एरिया में इसको एक सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो ट्रेवलर्स का एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज अच्छा खासा हो सके। सो दिस हैज साइंड एन 10-ईयर पार्टनरशिप डील विद दी PIAL एट द स्मार्ट एयरपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम। एरल हेनरी अपॉइंट किए गए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। हैती के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं। इन्होंने जगह ली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्लोड जोसेफ की। लेट प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइस डेजिग्नेटेड एरियल हेनरी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इनको नवाजा। फिलहाल एरियल हेनरी न्यू प्राइम मिनिस्टर हेती के बनाए गए। रशिया ने यहां पर टेस्ट फायर किया है। S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया ने किया है इन द कपुस्तिन यार ट्रेनिंग ग्राउंड रशिया। द मिसाइल कंसीडर्ड एज द मोस्ट एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली हिट हाई स्पीड बैलिस्टिक टारगेट। सो रशिया ने टेस्ट फायर किया है S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। S-400 ट्रियम्फ इज अ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इट इज एन इंटरसेप्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम विच कैन डिस्ट्रॉय, किसी भी तरह का इनकमिंग कोई मिसाइल आती है वगैरह वगैरह उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको बनाया गया एलमैज एनटी के द्वारा। कुछ कंट्रीज इसको यहाँ पर यूज कर रही हैं। इंडिया ने साइन किया था $5 बिलियन की डील रशिया के साथ, जिसके तहत इस तरह के डिफेंस सिस्टम के 5 यूनिट यहाँ पर खरीदने के लिए कहा था। एंड इंडिया को फिलहाल इसका फर्स्ट बैच मिलने जा रहा है। एंड इंडिया अपना खुद का भी आकाश नाम का एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना रही है। एग्जाम पढ़ने से S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम किसका है? रशिया का है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा बनाया गया? ये रहा। कितने की डील की थी इंडिया ने? ये रही। कितनी यूनिट्स मंगाई थी? ये मंगाई थी। कब मिलेगा? अक्टूबर में मिलेगा। इंडिया अपना कौन सा बना रहा है? आकाश बना रहा है। ठीक है, ओके। अगली खबर हमारी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड स्टार्ट कर चुका है यहाँ पर डिलीवरी देने पहले ही मिसाइल। फर्स्ट फायरिंग यूनिट ऑफ मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल फॉर डिलीवरी टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर पहली मिसाइल फर्स्ट फायरिंग यूनिट की मीडियम रेंज की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने सौंपी। MRSAM दैट इज द मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, यानी कि नीचे जमीन से हवा में मार करने वाली इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, बनाई गई है DRDO एंड द इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ। मैन्युफैक्चर की गई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। 70 किलोमीटर इसकी रेंज है, स्पीड इसकी Mach 2 है। ये आपकी यहाँ पर BDL के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया फर्स्ट MRSAM में मिसाइल फॉर डिलीवरी टू IR। चाइना ने अनवील किया एक न्यू मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ अचीविंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर प्रति घंटा
और 372 मिलीमीटर पर आवर इन द क्विंगडाओ। ओके, क्विंगडाओ में चाइना ने अनवील किया न्यू मैगलेव ट्रेन, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल। द मैगलेव ट्रेन डेवलप्ड बाय द चाइना एंड मैन्युफैक्चर इन द क्विंगडाओ, ये यहाँ पर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल अवेलेबल ये माना जा रहा है। एंड मैगलेव दैट इज फ्रॉम मैग्नेटिक लेविटेशन, ये ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज को यूज करेगा एंड लेविएट्स अबव द ट्रैक, ट्रैक से ऊपर चलता है, देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट, किसी भी तरह कॉन्टैक्ट नहीं होता, ट्रैक यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। सो इस तरह से काम करता है। इन्होंने ये किया है, किसने अनवील किया है, पहला क्वेश्चन, कितने रफ्तार ये पूछा जा सकता है, जगह पूछी जा सकती है, एंड दुनिया का फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल अवेलेबल। ओके, ये न्यूज आपने बहुत बार टीवी में देख ली होगी, यूट्यूब पे काफी चर्चा में थी ये और हर एक न्यूज चैनल पर भी थी। न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम जिसको ब्लू ओरिजन ने बनाया, पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 4 लोगों को लेकर यहाँ पर गई, वैन होन टेक्सस से, जॉफ बेजोस में गए सबसे अमीर आदमी अमेजोन वाले, 4 मेंबर्स, मार्क बेजोस भी साथ में थे, वैली फ्रैंक जो कि 82 साल के थे ओल्डेस्ट पर्सन बने, ओलिवर डैमन जो कि 18 वर्ष के थे यंगेस्ट पर्सन बने, रिसेंटली US बेस्ड स्पेस फ्लाइट वर्जिन गैलेक्टिक भी जो कि रिचर्ड ब्रांसन वाली, इन्होंने भी सक्सेसफुली कम्प्लीट किया था एक स्पेस फ्लाइट। न्यू शेपर्ड जो इसको नाम दिया गया नासा के मरकरी प्रोग्राम के द्वारा, नासा के मरकरी प्रोग्राम के एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड जो कि पहले अमेरिकन थे जो कि स्पेस में पहुंचे थे 1961 में, उन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया। ये न्यू शेपर्ड यहाँ पर लोगों को 100 किलोमीटर अबव अर्थ लेकर जा सकती है, कैप्सूल लेकर है और एक कैप्सूल रीयूजेबल है, दोबारा से इसको यूज की भी किया जा सकता है। एंड इस कैप्सूल को यहाँ पर जो न्यू शेपर्ड रॉकेट है इसको बनाया इंडियन बोर्न इंजीनियर संजल गवंदे ने, ये एक पार्ट था, मतलब इन्होंने नहीं बनाया, इज अ पार्ट ऑफ दैट टीम, शी हेल्स फ्रॉम द कल्याण महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। सो ब्लू ओरिजन, न्यू शिपयार्ड, न्यू मैं शिपयार्ड के बोल रहा हूँ, शेपर्ड, इट्स अ शेपर्ड, सो यहाँ पर शेपर्ड, न्यू शेपर्ड यहाँ पर है, 4 लोगों को लेकर गया, चारों के नाम याद रख लेना, सबसे उम्र दराज कौन थे, सबसे जवान कौन थे इसमें, विर्गिन गैलेक्टिक की रिचर्ड ब्रांसन का था, एलन शेपर्ड पहले अमेरिकन एंड दी संजल गवांदे ये भी इस टीम का हिस्सा थी। ओके, AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21, सो यहाँ पर आपका AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर सुरेश सिंह, वीमेन इमर्जिंग प्लेयर मनीषा कल्याण, बेस्ट अवार्ड्स फॉर बेस्ट रेफरी तेजस नगवेंकर, अवॉर्डी फॉर बेस्ट असिस्टेंट रेफरी सुमंता दत्ता, इसके अलावा बेस्ट प्लेयर मैन एंड द बेस्ट महिला प्लेयर इन दोनों को बाला देवी, तीसरी बार चुनी गई है यहाँ पर ये वीमेन फुटबॉल टीम में है आपकी, एंड इंडिया मैंस फुटबॉल में संदेश जिंगान चंडीगढ़ से हैं, इनको चुना गया है यहाँ पर आपका। बाला देवी तीसरी बार ये सम्मान जीता, उन्होंने 2014-15 में जीत चुके हैं, एंड 2020 के अर्जुन अवॉर्डी संदेश जिंगन इससे पहले 2014 में इसको जीत चुके हैं। विश्वनाथन आनंद चेस के प्लेयर काफी फेमस जानते हैं सभी, यहां पर डिफीट किया रशिया के व्लादिमीर क्रामनिक को टू विन द नो कास्टिंग वर्ल्ड मास्टर इवेंट ऑफ द स्पार्किंसन ट्रॉफी एट द डॉर्टमंड जर्मनी। नो कास्टिंग चेस इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ चेस कंसीव्ड बाय द व्लादिमीर क्रामनिक के द्वारा, ये स्टार्ट किया था, अलग फॉर्मेट है आपका चेस का, एंड इसको जीता यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने। स्ट्रेंजर इन द मिरर, एक बॉलीवुड फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो हाल ही में तूफान जो मूवी आई थी वो भी इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, एंड उसमें दिखाई भी दिए थे, थोड़ा सा रोल भी इन्होंने किया था यहाँ पर उस मूवी में। इनके द्वारा एक डेब्यू बुक लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, यानी खुद के द्वारा लिखी गई स्ट्रेंजर इन द मिरर। बुक इज को रिटन बाय द नोटेड ऑथर रीता रामामूर्ति गुप्ता जी के द्वारा मिलकर लिखी गई है, एंड इस बुक का फॉरवर्ड जो है ए रहमान एंड आफ्टर फॉरवर्ड जो है वो आमिर खान के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में यहाँ पर आपका उनके लाइफ इवेंट्स, उनके जिंदगी के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। उनकी मूवी कुछ थी फेमस वाली रंग दे बसंती, याद होगा आपको, जिसने 4 नेशनल अवार्ड भी जीते थे अलॉन्ग विद द बेस्ट पॉपुलर फिल्म 2006 में। राकेश ओम प्रकाश मेहरा यहाँ पर आपके रीता रामामूर्ति गुप्ता के साथ मिलकर स्ट्रेंजर इन द मिरर लिखी है। हरियाणा ने लॉन्च किया वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को टू इंक्रीज एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन 137 ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट अंडर विच एवरी ब्लॉक विल बी कनेक्टेड विद सम इंडस्ट्री, किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ ये कनेक्ट करेंगे।
स्मॉल एंटरप्राइजेस को यहाँ पर, लार्ज एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे पूरे हरियाणा में ये चीज़ आपकी लॉन्च की गई, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, मीन्स एक ब्लॉक में यानी कि एक एरिया में एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा इन हरियाणा। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी इम्प्लीमेंट की गई थी हाल ही में 2020 में। सो एग्जाम में आएगा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम किसकी है, हरियाणा स्टेट की ये स्कीम है। ये है 7 साल ओल्ड भागीरथी अम्मा हु बिकम द केरला ओल्डेस्ट लर्नर आफ्टर क्लियरिंग हर फोर्थ स्टैंडर्ड इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन। ये आपकी एज थी इनकी 105 साल, जब इन्होंने चौथी कक्षा का एग्जाम क्लियर किया था, इनका हाल ही में निधन हो गया। भागीरथी अम्मा वाज रिसिपियंट ऑफ प्रेस्टिजियस नारी शक्ति पुरस्कार, उनको दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। राइट ओके चलिए अगली ये एक रिपोर्ट आई है, ठीक है बस यही है, एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट। अगर मैं वैसे कहूँ, ये न्यूज़ खुद पढ़ लेना ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये न्यूज़ इस तरह की है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन आ सकता है बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड हो, जेंडर से रिलेटेड हो, रिलीजियस सेंटिमेंट से रिलेटेड हो, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी मैं पढ़ा नहीं रहा इस न्यूज़ को, आप खुद पढ़ लीजिएगा इस पूरी पूरी न्यूज़ को। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट एक आई है जिसमें अलग अलग यहाँ पर रिलीजन, कास्ट, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है इसको आप पढ़ लीजिएगा। आज मैंने काफ़ी तेज तेज पढ़ाया, जिस मेरा एक ही मकसद था कि आपको गो थ्रू करा दूँ मैं, ठीक है आई नो दैट मैं काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है मैं भी सही नहीं हूँ, मैम भी सही नहीं है, हॉस्पिटल्स एंड ऑल काफ़ी कुछ चक्कर चल रहे हैं हॉस्पिटल्स के, तो इसी वजह से मैं सुबह भी क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कल रात को पूरी रात ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते निकली थी। मिलता हूँ आपसे सुबह 6:30 बजे एंड जुड़े रहिएगा, ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है बट उससे भी नहीं हो पा रहा, क्या करूँ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय एंड सी यू टुमारो 6:30 क्लास मिलते हैं।